हेलो स्टूडेंट, मैं धीरेंद्र आपका ओसवाल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो अपन पढ़ रहे थे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो उसमें अपन ने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 13, सेक इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कोट इनवर्स वन अपॉन जेड इक्वल टू 3π। और अपने को जो प्रूव करना है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बहुत पहले भी बताए थे, ठीक है, जिसमें अपने पास था कि मैंने आपको बोला था अगर एक्स की जगह आपको कुछ पुट करना रहेगा तो अपन क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करेंगे और वाई इक्वल टू पुट करेंगे तो टेन थीटा पुट करेंगे। और यहाँ पे जेड की जगह कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट बनेगा वो टेन इनवर्स का बनेगा और यहाँ पे आपको कोट इनवर्स वन अपॉन जेड गिवन है, तो इसको डायरेक्ट अपन टेन इनवर्स जेड लिख सकते हैं। जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, कोट इनवर्स वन अपॉन एक्स के, तो उसी तरीके से अगर कोट इनवर्स एक्स है तो उसको अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे जेड है, कोट इनवर्स वन अपॉन जेड है, तो उसको अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स जेड लिख सकते हैं ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके, ठीक है। और एक्स की जगह और वाई की जगह मैं क्या पुट करूँगा, टेन ही पुट करूँगा, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो टेन थीटा वन और टेन थीटा टू पुट कर लेंगे अपन। और इक्वल में अपने को क्या दे रखा है, 3π, तो 3 टेन इनवर्स वाला जो फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। और आप देख रहे हो बार बार सेम आंसर आ रहा है, जब इक्वल में अपने पास क्या आ रहा है, 2π 3π पाई या एन पाई ऐसा कुछ आ रहा है, और एन क्या है वहाँ पे इंटीजर है, पूर्णांक है, तो उस कंडीशन में ये आंसर आ रहा है। और इक्वल में अगर अपने पास पाई बाई टू है तो अपने पास जो डिनोमिनेटर वाला आंसर था जो हर में था वो आंसर आ रहा था, सेम फॉर्मेट का है। देखो अगर अब इसको सॉल्व करते हैं तो मैंने इसका LHS ले लिया, LHS क्या अपने को तो पूरी फॉर्मेट लेके चलना है, क्यों इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3π, तो मैं पहले लिख लेता हूँ सेक इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस, अच्छा यहाँ पे कोट इनवर्स वन अपॉन जेड है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π। तो z की जगह कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 10 में कन्वर्ट हो चुका है, तो x की जगह अपन क्या पुट करेंगे 10 थीटा और y की जगह भी क्या पुट करेंगे 10 थीटा, तो दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 थीटा 1 और यहाँ पे 10 थीटा 2, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी 10 इनवर्स x और थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी 10 इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो बनेगा सेक इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या रखी है अपन ने टेन थीटा वन, तो टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस यहाँ पे आएगा कोसेक इनवर्स वन प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई की जगह लिखेंगे अपन टेन थीटा टू का स्क्वायर अपॉन वाई, तो टेन थीटा टू, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स जेड। यहाँ पे फिर से वही फॉर्मेट बनेगा, अब देखो वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है अपने पास सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा सेक बनेगा, और यहाँ पे क्या है थीटा वन है तो सेक थीटा वन आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा सेक थीटा वन, ठीक है। तो सेक इनवर्स और सेक कैंसिल होके क्या आ जाएगा यहाँ पे थीटा वन, ठीक है, एक स्टेप में कम कर देता हूँ यहाँ पे। और उसी तरीके से अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा टू, और फिर रूट है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा सेक थीटा टू अपॉन क्या है टेन थीटा टू, तो इनको साइन कोस में चेंज करेंगे तो सेक को क्या लिखेंगे वन अपॉन कोस के लिख दिया, अब टेन को क्या लिखेंगे अपन साइन अपॉन कोस थीटा टू है तो थीटा टू, अब यहाँ पे कोस कोस कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा टू आएगा, इट मीन्स सेक अपॉन टेन क्या होगा कोसेक होगा, तो कोसेक इनवर्स और कोसेक थीटा टू होगा तो वो भी आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। समझ में आ रही है इतनी बात, यहाँ पे भी अपन वही वाली चीज़ यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या बना था सेक इनवर्स और यहाँ पे सेक थीटा वन, यहाँ पे कोसेक इनवर्स और यहाँ पे कोसेक थीटा टू, तो कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको थीटा वन और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा थीटा टू, ये वाली चीज़ यूज हो जाएगी वहाँ पे सेक इनवर्स सेक थीटा वन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा वन और यहाँ पे क्या यूज होगा कोसेक इनवर्स, और इस फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा
यहाँ पे है कोसेक इनवर्स, और इस फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा टू। तो ये भी कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा टू आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस यहाँ पे क्या, टेन इनवर्स जेड। तो टेन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या है, 3 पाई। अब अपन क्या करेंगे, थीटा वन और थीटा टू की क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा वन की वैल्यू क्या है अपने पास, टेन इनवर्स एक्स, और थीटा टू की वैल्यू टेन इनवर्स वाई। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक्स वाई दिखता है या जेड दिखता है, तो अगर कुछ पुट करने की बात रहेगी, कुछ एक्स का मान रखने की बात होगी, तो अपन क्या रखेंगे, हर क्वेश्चन में टेन ही पुट करेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा टू की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वाई। और जहाँ पे कोट इनवर्स वन अपॉन जेड था, तो वो जो अपना फॉर्मूला था उसको यूज करके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टेन इनवर्स जेड। कोट इनवर्स वन अपॉन जेड को टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स जेड, और इक्वल टू अपने को दे रखा है 3 पाई। तो यहाँ पे सिंपल 3 tan इनवर्स, सॉरी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 पाई। तो टेन इनवर्स को जब अपन इधर ट्रांसफर करेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 3 पाई। और मैंने आपको बताया होगा कि टेन अपने पास पाई हो, 10 2 पाई हो, 10 3 पाई हो, तो उस सारी कंडीशन में एन पाई हो, जब एन अपने पास क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर हो, उस कंडीशन में टेन एन पाई का मान कितना होता है अपने पास, 0 होता है। तो टेन 3 पाई का मान कितना होगा अपने पास, 0। तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 अपॉन 1। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो अपने पास फाइनली आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। ये इसको 1 से गुणा कर दिया तो ये एज इट इज आ जाएगा, और इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये अपना प्रूव हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो उसमें अपने को ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, एक बार कोट इनवर्स वन अपॉन जेड को टेन इनवर्स जेड लिखा है अपन ने, तो वही वाला कॉन्सेप्ट वापस यूज़ करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो होमवर्क कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अपनी कॉपी को बनाओ आप, रजिस्टर को, उसमें काम करो। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी सीरियस नहीं हैं, तो बेटा होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें आपके पास है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस वन इक्वल टू प्रूव करना है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे अपने को आंसर टेन इनवर्स में लाना है, तो यहाँ तो टेन इनवर्स है और यहाँ पे क्या है, कोट इनवर्स है। तो मैं इसका एलएचएस लेके इसमें चेंज कर दूंगा, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज आ जाएगा, जो अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने यूज करा था। अगर कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ एक्स प्लस वन है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ एक्स की जगह एक्स ही, और वाई की जगह क्या देखने को मिल रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस वन। तो फॉर्मूले में आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा जो अपने को प्रूव करना है। एलसीएम ले लिया मैंने एक्स प्लस वन का। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तो वन है, तो एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, और एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वन आ जाएगा। ऐसे ही नीचे मैं एलसीएम लेता हूँ एक्स प्लस वन का, तो एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई होगा वन से, तो एक्स प्लस वन और माइनस क्या आ जाएगा, एक्स। तो ये एलसीएम सेम बनता है, मैं बार बार बोलता हूँ तो हर बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन
अपॉन ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ पे माइनस एक्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड में वन आएगा, उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड किस में दे रखा है, एपी में दे रखा है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में दे रखा है। तो जो भी तीन टर्म समांतर श्रेणी में होती है तो उनमें क्या रिलेशन होता है बेटा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, अगर ए बी सी की बात करें तो। अगर ए बी सी अपने पास किस में है, ए पी में है, ए पी मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में है तो उस कंडीशन में अपने पास ए बी सी में क्या रिलेशन होता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। यह आपको मैंने 11th में भी बताया हुआ है, ठीक है, आप खुद भी इसमें देख सकते हो। जैसे अगर अपन देखें 5, 10 और 15, ये तीन टर्म अपने पास है, ये किस में है, एपी में है। कैसे पता चलेगा, तो इनका जो डिफरेंस होगा, ए टू माइनस ए वन क्या है, 5 का, ए थ्री माइनस ए टू वो भी कितने का है, 5 का। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, 5 ए है, 10 बी है और 15 सी है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। दूसरे टर्म का 2 गुना दोनों टर्म के क्या होगा, दोनों संख्याओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे 2 गुणा 10 क्या आएगा, 20, और 5 प्लस 15 क्या हो गया, 20, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20। क्लियर हो रहा है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगर तीन टर्म अपने पास है, तीन पद अपने को दे रखे हैं, वो अगर एपी में है तो उनमें क्या संबंध होगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ पे अपने को दे रखे हैं, ए की जगह है टेन इनवर्स एक्स, बी की जगह टेन इनवर्स वाई और सी की जगह टेन इनवर्स जेड, ये किस में है अपने पास, एपी में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसको फॉलो करेंगे, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी को, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको खुद को बनाना है, क्वेश्चन की कंडीशन को काम में लेके। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस सॉरी टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड है, वो किस में है अपने पास, एपी में है। तो एपी में होने का मतलब वो समांतर श्रेणी में है, तो क्या रिलेशन होगा उसमें, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना है और प्रूव करना है, वो अपने को दे रखा है वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस टू वाई, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस टू वाई, वन माइनस एक्स जेड, वन माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू जीरो। तो ये अपने को प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और कंडीशन क्या है कि टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड किस में है, एपी में है। तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा, टू टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड होगा। तो इसको सॉल्व करके अपने को ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास है टू टेन इनवर्स, तो सबसे पहले यहाँ आपको जो प्रूव करना है उसमें दिख रहा होगा कि टेन इनवर्स कहीं भी नहीं है, तो टेन इनवर्स को क्या करना है अपने को, हटाना है यहाँ से। तो टू टेन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, टेन इनवर्स में। तो यहाँ पे अपने पास है टू टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स में फॉर्मूला क्या होगा, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, जैसे एक्स के लिए करते थे टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो टू टेन इनवर्स से क्या होगा, टेन इनवर्स बन जाएगा। तो जहाँ पे टू टेन इनवर्स वाई है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड है, तो उसमें क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस सॉरी वन माइनस एक्स जेड। हाँ ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला लगेगा, वाई की जगह क्या जेड है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड। अब दोनों साइड क्या है, टेन इनवर्स है, तो इनको हटा सकते हैं। हटाना कैसे है, मैंने बताया था, ये टेन इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, वो इधर आएगा। जैसे इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आके ये क्या बनेगा, टेन बनेगा, और टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जो अपने पास एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड है वो आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड टेन इनवर्स है, तो इनको हटा सकते हैं अपन, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है इतना, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल में आएगा एक्स प्लस जेड अपॉन वन माइनस एक्स जेड।
क्लियर है इतना। उसके बाद में अपने को जो आंसर चाहिए उसके हिसाब से अपने को फॉर्मेट बनाना। देखो 2y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 - xz से, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं। तो 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1 - xz से, ठीक है। और यहाँ पे 1 - y² मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे ऐसे, 1 - y² मल्टीप्लाई हो जाएगा x+z से। अब जो LHS वाली टर्म है उसको एज इट इज रख लेता हूँ मैं, 1 - xz आ गया। अब इक्वल में जो अपने पास टर्म है उसको मैं देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले 1 को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स और जेड से, तो एक्स और जेड आ जाएगा। फिर माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसे, x+z से, अलग अलग नहीं करके ऐसे ही रख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आंसर में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x+z से। अब ये इस तरह की साइड है RHS में, इनको ट्रांसफर करके अपन LHS में ले आएंगे, तो ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव y² × x+z। और यहाँ पे पहले से ही क्या है, 2y × 1 - xz, और इक्वल में क्या था, x+z, ये वाली चीज़। तो इसको भी अपन इधर लेके आएंगे, जैसे यहाँ पे -x - z इक्वल में क्या आना चाहिए, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x - z इक्वल टू 0। तो ये अपने पास प्रूव हो जाएगा जो क्वेश्चन में बोला हुआ था। इसमें मेन चीज़ यही है बेटा, क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको खुद को बनाना है। ABC अगर AP में है तो क्या रिलेशन होगा, (2b = a+c), और वही सेम प्रोसेस अगर tan−1x, tan−1y और tan−1z किसमें है, AP में है, तो क्या हो जाएगा, 2 tan−1y = tan−1x + tan−1z। फिर इसको सॉल्व करना है, 2 tan−1 को पहले tan−1 में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे tan−1x + tan−1z में फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan−1 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों करना है, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें tan−1 अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, तो दोनों साइड tan−1 कैंसिल होके इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो आंसर आ जाएगा जो प्रूव करना है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो आप खुद घर पे ट्राई कर सकते हो, और आगे की क्लास में अपन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, आपको होमवर्क करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट आए तो आप बेहिचक मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।